कांग्रेस कार्यालय रेत में शाहपुर ब्लॉक कांग्रेस पेंशनर सेल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने भाग लिया। मीटिंग में सभी पेंशनर संघ के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने शाहपुर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपने सुझाव भी दिए। शाहपुर हलके में कांग्रेस का विधायक बनने पर भी रणनीति तैयार की गई। इस दौरान शाहपुर कांग्रेस पेंशनर सेल की बैठक में डलौजी से कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री आशा कुमारी ने भी विशेष रूप से शिरकत की। रेत में बैठक में पहुंचने पर शाहपुर ब्लॉक कांग्रेस पेंशनर लीग ने विधायक व एआईसीसी की सचिव आशा कुमारी का जोरदार स्वागत किया। आशा कुमारी ने शाहपुर ब्लॉक कांग्रेस पेंशनर सेल का इतना सम्मान देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि शाहपुर ब्लॉक कांग्रेस पेंशनर सेल की बैठक में उन्हें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि पेंशनर सेल की बैठक में ब्लॉक कांग्रेस पेंशनर सेल की बारीकियों से उनकी समस्याओं को सुना गया और उनको हल करने पर भी आश्वासन दिया गया। विधायक आशा कुमारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही कर्मचारियों, पेंशनरों और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की बात करती है और आगे भी हर वर्ग के साथ बैठकर विचार विमर्श करके प्रदेश के उत्थान के लिए कांग्रेस पार्टी 2022 के विधानसभा चुनावों में अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी और उनको पूरा भी करेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि बंद कमरे में घोषणा पत्र तैयार किया जाए और जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल करने के बाद अपनी घोषणाओं के विपरीत काम किया जाए। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का जो पेंशनर सेल है शाहपुर चुनाव क्षेत्र का, रैत में कार्यालय में इनकी बैठक चल रही है और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इसमें शामिल हो सकी। पेंशनर्स ने अपनी कुछ बातें रखी हैं जो कि ये चाहते हैं कि जब हमारा घोषणा पत्र बने उसमें इनकी मांगों को सम्मिलित किया जाए। तो मैंने इनको मैंने विश्वास दिलाया है कि कांग्रेस का जब भी घोषणा पत्र बनेगा तो पेंशनर्स की बातों को लेकर के पेंशनर्स से पहले बात की जाएगी और जो इनकी मांगे होंगी, जो भी हम कर सकते होंगे, उसको हम अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि ना केवल पेंशनर्स का मगर शाहपुर चुनाव क्षेत्र का पूरा जो समर्थन है, सहयोग है, वो कांग्रेस के साथ रहेगा और 2022 में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी उसमें कांग्रेस का विधायक जो है वो शाहपुर से भी जीत के आएगा।